अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ा पफ। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हल्का सा सॉटे कर लेना है। गार्लिक का कलर जो है चेंज नहीं करना है। अब इसमें छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने चिकन को कट कर लिया है। बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे और चिकन के गोल्डन होने तक इसको लहसुन के साथ हमें भून लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए चिकन गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सब 1/2 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ये रेड कश्मीरी मिर्ची ली है और 1/2 टीस्पून ही नमक भी लेंगे और इन सबको हमें सॉटे कर लेना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। जो पिज्ज़े में हम स्पाइसेस ऐड करते हैं वही स्पाइसेस इसमें भी जाएंगे। अब इन मसालों को हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको दिख पाएगी। अब ये बॉईल किए हुए इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे और कैप्सिकम ली है मैंने 3 कलर की चॉप करके, वो भी इसमें डाल देंगे। आप कोई भी एक कलर की कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे और ये देखिए फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी। अब हम ब्रेड ले लेते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसेस को एक साथ रखेंगे और इनके किनारियों को कट कर लेंगे ताकि दोनों के शेप एक जैसे हों। तो ये देखिए किनारियों को कट कर लिया है। अब हम इस ब्रेड को रोल कर लेंगे दबाते हुए अच्छी तरह से। हमें हर किनारे से इसको रोल कर लेना है ताकि जब हम इसमें फिलिंग को भरें तो ब्रेड हमारा फटे ना। अब सेकेंड वाला भी इसी तरह से हम रोल कर लेंगे। इसको दबाते हुए रोल करना है हर किनारी पर। तो ये देखिए इस तरीके से रोल कर लिया है मैंने। अब एक ब्रेड के स्लाइस को उठाकर रख देंगे और उस पर हम जो फिलिंग बनाई थी हमने चिकन की वो डाल देना है। अब इस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। चीज़ हमें ज़्यादा डालना है, जैसे पिज़्ज़े में हम चीज़ ज़्यादा डालते हैं तो इसमें भी हमें चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ही इसका टेस्ट होता है, बट ये ब्रेड से बनता है। अब इसके चारों किनारियों पर हमें पानी को लगा लेना है। अच्छी तरह से पानी को लगा लेंगे, बग़ैर पानी के ये नहीं चिपकेगा, तो पानी लगाना ज़रूरी है इस पर। अब ये वाले स्लाइस पे भी मैं थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए। और इसको इस पे रख देंगे। हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है वरना टूट सकता है ब्रेड। तो ये देखिए हल्के हाथों से इसकी किनारियों को अच्छे से दबाते हुए पैक करना है ताकि ये खुले ना बेक करते वक्त। ये देखिए इस तरीके से आप पैक कर लें। अब इसकी किनारियों को हम थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे, हल्का सा कट लगा देंगे ताकि लुक वाइज ये अच्छा लगे, नीट एंड क्लीन लगे। ये देखिए अब ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको पैक कर लिया है मैंने। अब इस पे चीज़ का स्लाइस रख देंगे हम। अगर आप ग्रेट की भी चीज़ डालना चाहते हैं इस पर तो डाल सकते हैं, बट वो गिर सकती है इसलिए आप स्लाइस का यूज़ करें। और चीज़ स्लाइस इस पर रख देंगे। थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे इस पर रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस पर चिली फ्लेक्स मत डालिएगा, सिर्फ ओरिगेनो डालें। और ब्लैक ऑलिव रख देंगे।
तो ये देखिए एक पिज़्ज़ा पफ मैंने रेडी कर लिया है, सारे इसी तरह से आपको बना लेने हैं। और ये ट्रे ले ली है मैंने, बेकिंग ट्रे, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। एक एक करके सारे पिज़्ज़ा पफ इस पर हम रख देंगे और प्री हीट कर लेंगे ओवन को। प्री हीट होने के बाद में 180 टेम्परेचर पर हम इसको बेक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और ऊपर से थोड़ा कलर आ जाए चीज़ पर। तो ये देखिए बेक कर लिया था 2-3 मिनट के लिए, चीज़ मेल्ट हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसको कटर से कट कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने चीज़ी और कितने मज़ेदार से बने हैं। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।